हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री 91 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत करते हैं आज से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक संविधान की और इंडियन पॉलिटी की। आज क्विज नंबर 23 और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सॉल्व कराएंगे हम एमसीक्यू। और सभी को नमस्कार, हमारे सभी पेरेंट्स का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाइए, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप देख लिए कुछ स्टडी 91 आपके लिए लेके आया कुछ महाबचत ऑफर नवरात्रि पर कुछ महाबचत ऑफर देख सकते हैं। अभी देखिए यूजीसी नेट की बात करेंगे। यूजीसी नेट के भी न्यू बैच स्टार्ट हुए, मात्र फीस है इसका 999 रुपये। वीडियो मॉक टेस्ट की अगर आप देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट भैया बिल्कुल 249 रुपये में है, बिल्कुल आप इसको भी ले सकते हैं। एक के साथ पीटी की मॉक टेस्ट आप 249 रुपये से है, इसको भी आप ले सकते हैं 5 अक्टूबर तक। इसको देख लीजिएगा, पीटी की जो आपका ये है मॉक टेस्ट, ये आपका 5 अक्टूबर तक ही है क्योंकि आगे आपकी एग्जाम है। उसके बाद हिंदी न्यूज़वन 999 रुपये में, जो कि आपको बेहतरीन तरीके नीतीश सर आपको पढ़ाएंगे। पेट हिंदी मात्र 149 रुपये में, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इन सब बैचों में आपको ज्वाइन होना है तो इस नंबर कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जल्दी जल्दी आप ज्वाइन हो सकते हैं, या श्री 91 का ऐप डाउनलोड करके उसके माध्यम से भी आप इससे जुड़ सकते हैं। इसके साथ देख सकते हैं महाबचत ऑफर शुरू हुई है। आप संपूर्ण अध्ययन सामग्री और आपके पेट की प्रैक्टिस के साथ में नवरात्रि स्पेशल ऑफर है आपका मात्र 350 रुपये में। आप ये दोनों बुक आराम से लेके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो जाइए दोस्तों, इतनी कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन होंगे और इसके साथ साथ थोड़ा सा कुछ डेली यूट्यूब शेड्यूल आप देख लीजिए, जो आपकी क्लासेस चलती हैं डेली करंट अफेयर जो कि आज भी चलती है। हालांकि देखिए अभी पेट का एग्जाम है और पेट के एग्जाम के लिए मैंने कुछ स्पेशल वीडियोज मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, यानी कि डेली मैं आपको देने वाला हूं पेट स्पेशल के लिए। और इस पेट स्पेशल में जैसे महीने का हो गया, जैसे कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और इसको पूरा रिवीजन करिए, वो पीटी स्पेशल के लिए है, ठीक है ना। जिसका पेट का एग्जाम है अक्टूबर में, उनके लिए स्पेशल पूरा निचोड़, एक साल का संपूर्ण निचोड़ हम लगभग 2-4 वीडियो में आपको कंप्लीट करके दूंगा। उसको पूरा आराम से पूरी क्लास को अटेंड करिएगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, नवरात्रि के बाद जो है आपका जो बेहतरीन तरीके जो डेली करंट अफेयर क्लास चलती है, डेली वाली क्लास फिर चलेगी, ठीक है। चलिए आप देखिए आपकी डेली करंट अफेयर आपकी 8 बजे क्लास चलती है, जो कि आपकी अभी आपको पेट स्पेशल मिलेगा। पेट स्पेशल क्लासेस मिलेंगी 8 बजे। 9 बजे आपको इंडियन पॉलिटी क्लास मिलेगी। किसकी? इंडियन पॉलिटी की क्लास आपको 9 बजे मिलेगी। एक के साथ साथ आपका जीके जीएस क्लास आपको 10 बजे, कितने बजे है, 10 बजे आपको जीके जीएस की क्लास है। इसके बाद रीजनिंग आपकी 12 बजे, ज्योग्राफी आपकी 1 बजे, 3 बजे आपकी मैथ, साइंस की क्लास आपकी 6 बजे, संस्कृत क्लास आपकी 7 बजे, सामान्य हिंदी, करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन को 8 बजे आप नितिन सर के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। 50 लाख लोगों का भरोसा है, बेहतरीन तरीके से आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें श्री 91 पर, और बेहतरीन तरीके से अपने क्लास को अटेंड करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने। हमारे सभी पेरेंट्स स्टूडेंटों को नमस्कार और नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, दशहरा के भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग मेले में घूमिए टहलिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं आपका क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए। आप देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा, कह रहे भैया 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की। करा अंतरिम सत्ता के रूप, यानी कि मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की है। बिल्कुल आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा भैया, अंतरिम सरकार, संविधान सभा, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और चैंबर ऑफ प्रिंसेस। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है और मैं और इससे मोटिवेट होता हूं कि आपको और बेहतर से बेहतर चीजें मैं आपको दूं, जैसे कि आप पीटी एग्जाम, जैसे आपके जो भी एग्जाम हो, बेहतर से बेहतर आप संविधान में आप क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है। हालांकि अभी देखते हैं बीपीएससी का भी पेपर हुआ है, मैं जितना क्वेश्चन पढ़ाया हूं उससे एक भी बाहर नहीं आया, खूब बहुत छप के क्वेश्चन आए हैं जो बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया। जो बीपीएससी का पेपर दिया होगा 100% करके, क्योंकि ढेर सारा पॉलिटी उसमें पूछा था, लगभग 300 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। तो चलिए आप बताइए इसमें क्या क्या हो गया। देखिए अंतरिम सरकार, संविधान सभा, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली या चैंबर ऑफ प्रिंसेस। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा भैया, संविधान सभा। बहुत ही चर्चा का ये क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। करा 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की है। तो किसने सत्ता ग्रहण की है, तो संविधान सभा ने। संविधान सभा ने क्या किया है, 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को क्या किया है, अंतरिम संसद के रूप में किसको एक्सेप्ट किया, यानी कि संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की, संविधान सभा ने। इस क्वेश्चन को क्या करने आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप जानते हैं बात तो थोड़ा संविधान सभा की आती है, तो इससे थोड़ा सा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपका बनता है।
ठीक है ना। अगर बात करेंगे संविधान सभा का गठन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, खूब पूछता है संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन की अगर बात करेगा तो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। अब इस संविधान सभा का अगर बात करेंगे संविधान सभा के अस्थाई समिति, बिल्कुल एक क्वेश्चन आप याद रखें, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप याद रखना, अस्थाई समिति के अध्यक्ष यानी कि अस्थाई अध्यक्ष कौन बनाए गए थे संविधान सभा के, जो क्वेश्चन पूछता है वही मैं आपसे बता रहा हूं, ठीक है। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, बिल्कुल कौन बनाए गए थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या किए गए थे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, ये भी आप याद रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई। अस्थाई अध्यक्ष की बात करेंगे तो अस्थाई अध्यक्ष क्या कौन हो जाएंगे, तो अस्थाई अध्यक्ष को बिल्कुल याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्या नाम है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करेंगे तो ये क्या है, एक अस्थाई अध्यक्ष है, किसके, संविधान सभा के, गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, बात संविधान सभा की आ गई है इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कह रहा 14-15 अगस्त को 47 की मध्यरात को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की, तो संविधान सभा ने क्या किया है, सत्ता ग्रहण किया है, इसको आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल हट जाते हैं, कुछ लोगों का कमेंट था कि सर थोड़ा साइड हो जाए कीजिए, हमें स्क्रीन शॉट लेना रहता है, बिल्कुल आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ऐसे पेट में एग्जाम में, पेट के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, या आपसे क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प आप याद कर सकते हैं कौन सा है, सूरजमुखी है, कमल है, गुलाब है, या आपका गेंदा है। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब तो बिना देखे आप दे सकते हैं भाई, बिना देखे वैसे ही आप बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है भाई, आपके एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है, लोग गलत करके चले जाते हैं, क्यों गलत करते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने इस चीज को पढ़ा है और माइंड में सेट है मेरे, लेकिन वो रिवीजन नहीं करते, जिससे कि वो चीजें इजी वाली चीजें भी आपकी टफ हो जाती, याद नहीं होता है। तो आप बिल्कुल आप याद कर सकते हैं, या आपका क्या राइट हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका, तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है, आपका कमल, क्या है राष्ट्रीय पुष्प आपका, कमल है। और कमल की अगर बात करेंगे, कमल का जो साइंटिफिक नेम है क्या है आपका, नीलैम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप याद कर सकते हैं, क्या नाम है इसका, नीलैम्बो न्यूसीफेरा, यहां पर मैं लिख देता हूं, कमल का जो आपका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम ये पूछता है भाई, वैज्ञानिक नाम याद करना, नीलैम्बो न्यूसीफेरा, क्या नाम है इनका, नीलैम्बो न्यूसीफेरा। और नीलैम्बो न्यूसीफेरा है क्या, ये क्या है, साइंटिफिक नाम है, किसका, किसका साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, कमल का क्या है, वैज्ञानिक नाम है आपका नीलैम्बो न्यूसीफेरा, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखो बात इस वैज्ञानिक नाम की आ गई, फिर कमल हो गया, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप कमल का जानते हैं, कमल के बारे में कुछ जानकारी, ये जो कमल है ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, ये भी क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये कमल क्या है, भारतीय संस्कृति का ये प्रतीक है, माइंड में सेट कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या है ये कमल जो है, ये क्या है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, ठीक है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, कमल की। और कमल से याद रखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपसे जो कमल है ये आपसे वैज्ञानिक नाम आपसे पूछता है, इस वैज्ञानिक नाम को आप याद रखना, नीलैम्बो न्यूसीफेरा, ये क्या है आपका वैज्ञानिक नाम है, याद करना, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अच्छा बताओ, अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए क्या कर रहा है भाई, ये कर रहा है आपका, किस अधिनियम से ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, कह रहा है किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है, तो क्या हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो आप
बिल्कुल देखिए मेरे प्यार फ्रेंड आपका क्या राइट हो जाए, कह रहे किस अधिनियम ने पहली बार, है ना, ये कह रहे किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है, तो किस अधिनियम के तहत आपका बनाया गया है, बिल्कुल आप याद कर सकते हैं कौन सा भैया अधिनियम होगा। बेहतरीन तरीके से आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए, उसके बाद फिर जवाब दीजिए और देखिए क्या आपका राइट हो जाता है, तो आपको बिल्कुल पता होगा ये कह रहे किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना आपका संभव बनाया है, तो कौन सा हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की बात है और चार्टर एक्ट 1833 में पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है, याद कर सकते हैं ए वाला ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसको आप जरूर से जरूर आप क्या करिएगा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भारत में व्यापार संबंधित अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए क्या किया गया था, बढ़ा दिया गया था इसी एक्ट के तहत, ठीक है ना। भारत का, भारत में जो आपका अधिकार पत्र था, अधिकार पत्र, वो उस अधिकार पत्र को क्या किया गया था, अधिकार पत्र को क्या किया गया था भैया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, कितना 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए क्या किया गया था, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट आप याद कर सकते हैं कि 20 वर्षों के लिए इसे क्या किया गया था, बढ़ा दिया गया था। तो कंपनी की बात है, 1833 की बात है, ठीक है ना, कंपनी के भारत में व्यापार संबंधित है, इसको याद रखिएगा, क्या है आपका, कंपनी में भारत में व्यापार, यानी कि कंपनी के भारत में व्यापार संबंधित है, ठीक है, भारत में व्यापार से संबंधित है, व्यापार से, ठीक है, इसको आप मेरे प्यार श्रेणी क्या करेंगे आप याद कर ले जाएंगे, समझ में है, तो बिल्कुल याद रखना है, क्या कह रहा है आपका, किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है, तो कौन सा एक्ट हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833 की बात है, यानी कि कंपनी के भारत में व्यापार से अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए क्या किया गया है आपका, बढ़ा दिया गया है, ये आप भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, कौन सा है, चार्टर एक्ट 1833, यहां से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का आंसर भी आ रहा है, बहुत अच्छा, तो ऐसे ही आंसर करो यार, प्रैक्टिस करते रहो और मैं आपकी पूरी जितनी क्लासेस हैं बेहतरीन तरीके से एक से बढ़कर एक क्वेश्चन दूंगा, पीटी स्पेशल जिसका पेट का एग्जाम है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपका करें, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया, आप बताइए केंद्र में कौन सा एक्ट जो है ये द्विसदनी विधायिका लाया भैया, द्विसदनी विधायिका 1961 का एक्ट है, 1917 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है या 1915 का एक्ट है, कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया है, तो बिल्कुल द्विसदनी वाली बात है भाई, बिल्कुल बता दोगे क्योंकि बहुत ही चर्चा का विषय है, आपके क्वेश्चन पूछता है कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया था, तो ये 1919 का एक्ट, कौन सा एक्ट है भैया, 1919 एक्ट है, और 1919 का जो एक्ट है ये आपका, इसमें क्या किया गया था, द्विसदनी विधायिका लाया गया था, क्या किया गया था, द्विसदनीय विधायिका लाया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा भैया, डायरेक्टली क्वेश्चन हो अब याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपसे, इससे पहले थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ चुका है, आप देख सकते हैं यूपी तरफ से पीटी एग्जाम के लिए 15 मॉक टेस्ट और 25 आपके सेक्शनल टेस्ट आपके कराए जा रहे हैं, आप इसके साथ साथ 3000 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज भी कराए जा रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी आपका दिया जा रहा है और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपकी चल रहे हैं। अगर आप इन सब सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो आप जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए आप श्री 91 का ऐप या इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जल्दी जल्दी इस बैच से जुड़िए और बेहतरीन तरीके से अपनी सिलेक्शन सुनिश्चित करिए, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, करत भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पीटी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, जितने लोगों का पीटी की एग्जाम होगा बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ फैक्ट क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेकिन एक दो पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब देखो करत भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ, प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 1949 में हुआ है, 1950 में, 1952 में या आपका 1953 में, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष आपका हुआ था, किस वर्ष प्रथम आम चुनाव हुआ, तो बिल्कुल आप इसको याद कर सकते हैं भैया, किस वर्ष हुआ था ये आपका, तो बिल्कुल पता है ये आपका क्या हो जाएगा भैया, 1952 में, कब हुआ था, 1952 में क्या हुआ था, प्रथम आम चुनाव हुआ था, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए 25 अक्टूबर 1951 से 25 अक्टूबर 1951
25 अक्टूबर 1951 से 20 फरवरी 1952 तक, ये डेट आपको याद होगा और मैंने एक बार इसको बताया भी है कि 25 अक्टूबर 1951 से 20 फरवरी 1952 तक चला था, ठीक है ना। 20 का इसको 21 कर लिए, कितना होगा भैया 21 फरवरी, और 21 फरवरी 1952 तक चला था ये प्रथम आम चुनाव। इसको आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करेंगे, आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। प्रथम आम चुनाव की बात कर रहा है तो आपको एक चीज याद हो जाना चाहिए कि आम चुनाव मतलब क्या होता है, आपका लोकसभा का चुनाव, है ना। आम मतलब क्या होता है, जनता। आम मतलब क्या, जनता का चुनाव, यानी कि लोकसभा के चुनाव की ये बात कर रहा है। तो आपका बिल्कुल याद रखिएगा 25 अक्टूबर 1951 को, 51 से 21 फरवरी 1952 तक आपका प्रथम आम चुनाव हुआ था। बिल्कुल इसको आप जरूर से याद रखिएगा। 1952 आपका दिया है ऑप्शन में, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यह चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ था बताइए, यह चुनाव आपका 489 सीटों हुआ था, कितना भैया। यह चुनाव जो है ये भी आप याद रखिएगा, यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था, ठीक है, 489 सीटों के लिए हुआ था, सीटों के लिए हुआ था, ठीक है। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था, ठीक है, जिसमें से अगर कांग्रेस की बात करेगा, एक चीज बताओ भाई, कांग्रेस में इसमें कुल कितने सीटें मिले था बताइए। जैसे देखिए आपकी दिया है 489 सीटों के लिए आपका चुनाव हुआ है, लेकिन आपसे पूछेगा कि जब प्रथम आम चुनाव तक कांग्रेस में विजयी रही थी ना, तो यही पूछ रहा है कांग्रेस को कुल कितना आपका सीटें मिला था। चलिए देखिए, क्षमा चाहता हूँ भाई, थोड़ा सा आ जाता है खांसी वासी, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, कुल कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी, कांग्रेस को कुल 364 सीटें मिली, ठीक है ना। कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी, कांग्रेस को कुल कितने सीटें मिली थी, 364 सीटें, कितना मेरे प्यारे भाई, 364 सीटें मिली थी, ये भी आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ आपकी पीटी एग्जाम के लिए, जिसका जिसका एग्जाम है बिल्कुल तैयार है और एग्जाम लगा के अपनी तैयारी करें हमारे साथ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या करा है क्वेश्चन नंबर आपका 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, करा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्न से किस देश के संविधान से आपका लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बताओ भाई। कह रहा है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए से, या आपका आयरलैंड से, या आपका जापान से, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में राज्य के जो आपके नीति निदेशक तत्व हैं, इनको किस देश के संविधान से आपका लिया गया है, आप बिल्कुल याद रखना। ये भाई किससे भैया, आयरलैंड से, कहां से भैया, आयरलैंड से, क्या लिया गया है आपका, डीपीएसपी लिया गया है, क्या आपका डीपीएसपी, मतलब समझते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप बिल्कुल याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना, स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ये क्या है आपका, डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, जो संविधान के किस भाग में है, भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक ये बात करता है, कौन सा है यार, ये आपका आर्टिकल 36 से 51 तक जो है नीति निदेशक तत्वों की बात होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहां से क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई आप याद कर लेना, ठीक है। चलो समझ आ गया, चलिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए, चलिए आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा आपसे, करा क्वेश्चन नंबर 7 आपसे, करा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम संसद का गठन आपका कब हुआ था, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल बताइए आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपसे, बताइए फटाफट, देखिए क्या करा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार, यानी कि अंतरिम सरकार का गठन आपका कब हुआ था, जुलाई 1946 में, अगस्त 1946, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946। मैं हट जाता हूं, कुछ लोग कहते हैं सर थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हट जाता हूं मैं, इस ऑप्शन को आप बेहतरीन तरीके से देखिए, अंतरिम सरकार का गठन आपका कब हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा सितंबर 1946 में, बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, तो सितंबर आपका 1946 में आपका राइट हो जाएगा, सितंबर 1946। आप लोग भैया देखो, आप लोग सोच रहे हो मैं आपका आंसर नहीं देखता हूं, मैं आपका आंसर देखता हूं, ठीक है, पूरा आंसर देखता हूं आप क्या जवाब देते हो,
कितनी बेहतरीन तरीके से आप बातें करते हैं और क्या डिस्कस आप करते हैं इस पर, ठीक है। तो मैं आपकी पूरी नज़र रहती है आप पे, तो भाई बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को आंसर दीजिए और फिर तैयारी को हमारे साथ मजबूत बनाइए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा सितंबर 1946 को क्या हुआ था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का क्या किया गया था, गठन किया गया था, ये भी क्वेश्चन को आप क्या करिएगा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो भारत के एक ब्रिटिश उपनिवेश में एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने के लिए क्या किया गया था, यानी कि इसके परिवर्तन काल के दौरान उसके देख रेख के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, अंतरिम सरकार का यानी कि गठन आपका किया था, ठीक है। तो बिल्कुल इसको याद रखिए सर, या आपका क्या हो जाएगा सितंबर 1946 में, ठीक है। चलिए, हाँ अच्छा, देखिए इसमें देखिए भैया सितंबर आपका दिया है ना, अंतरिम सरकार का, अंतरिम सरकार का इसमें सितंबर आपका दिया है, लेकिन गठन आपका कब हुआ था ये, इसका गठन आपका 9 दिसंबर है ना, है ना, क्या इसमें 9 दिसंबर 1946 है, तो ये आप ये भी आप याद रखना 9 दिसंबर 1946 क्या है, इसका गठन हुआ था, ठीक है ना। और बिल्कुल सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन आपका है, ये पूछ रहा है, तो सितंबर 1946 लिए आपको क्या हो जाएगा, ये दिसंबर 1946 क्या हो जाएगा भैया, दिसंबर 1946 हो जाएगा, इसको बिल्कुल आप क्या करिएगा याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप सितंबर की तरह ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये आप सितंबर आपसे देखिए, ये मैंने क्वेश्चन को किसी के द्वारा टाइप किया गया, ठीक है, लेकिन ये जो मैटर बना ये आयोग का ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये पूरा आयोग का क्वेश्चन है, और ये जो आयोग पूछा था सितंबर पूछा था और सी वाला माना भी था, लेकिन आपका कितना हो जाएगा भैया दिसंबर 1946 को, ठीक है, दिसंबर 1946 को दिसंबर कर लिए, सितंबर से आप क्या करेंगे इसको दिसंबर बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि आयोग का क्वेश्चन है और मानता है ये, तो इसको तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, करा 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के केंद्रीय असेंबली में इकबाल की गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगणमन किसने आपका गाया है, ठीक है, किसने गाया है बताओ, रामेश्वरी नेहरू जी ने, या आपका मीरा बेन ने, सुचेता कृपलानी, या एम एस सुब्बालक्ष्मी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सभी पैरा स्टूडेंटों के लिए, जिसका पेट का एग्जाम है, धुआंधार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं इस ऑप्शन को, आप बेहतरीन तरीके से आप देख लीजिए ये क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो बिल्कुल आप देखिए इसमें क्या करें आपका, करा आपका 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगणमन किसने गाया, तो बिल्कुल आप याद रखना ये किसने गाया भैया, एम एस सुब्बालक्ष्मी, क्या नाम है इनका, एम एस सुब्बालक्ष्मी, चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 14 से 15 अगस्त 1947 की बात है, 1947 के मध्यरात को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगणमन आपका इन्होंने गाया था, किसने भैया, एम एस सुब्बालक्ष्मी, इनको भी क्या करिएगा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सुचेता कृपलानी को जानते हैं, इनको देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं ये, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये भी आप याद रखिएगा, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बात उत्तर प्रदेश की मैं बोल रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश से एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर प्रदेश दिवस आपका कब मनाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कब मनाया जाता है भैया आपका, प्रत्येक 24 जनवरी को, कब, प्रत्येक 24 जनवरी को क्या किया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस आपका मनाया जाता है, आपके जो सीएम है योगी जी हैं, ठीक है ना, सीएम कौन भैया, योगी आदित्यनाथ, है ना, क्या नाम है इनका, योगी आदित्यनाथ, जबकि जो गवर्नर है उनका गवर्नर कौन है भैया, आनंदीबेन पटेल, क्या नाम है इनका, आनंदीबेन पटेल, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और याद करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जितना बताऊंगा कम है, अच्छा देखिए लो, विधानसभा सीट कितना है आपका, 403, कितना, 403, यूपी की बात केवल कर रहा हूँ, विधान परिषद सीट बताओ, विधान परिषद सीट कितना भैया आपका, 100 आपकी क्या है, विधान परिषद सीट है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई आप, जरूर से जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप कैसे पहले देखिए, वीडियो करी एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको विथ वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको इस बुक में आपको मिलेगा, बिल्कुल इसको भी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, अगर वीडियो करी एग्जाम आप देना चाहते हैं जल्दी जल्दी आप ज्वाइन होइए, इस मॉक टेस्ट से जुड़िए, 15 मॉक टेस्ट आपकी लाइफ को चेंज करेगा, और अगर आपको इसको लाइफ अपना चेंज करना है, बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है एग्जाम में, तो बिल्कुल इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी से जल्दी 91 के साथ जुड़े
और अपनी तैयारी को इसके साथ मजबूत बनाए, ठीक है ना। फीस यार केवल मात्र रखा गया 349 रुपये, इतना तो आप रिचार्ज कर डालते हो, ठीक है। तो इतने में अपनी लाइफ अगर सिक्योर कर ले रहे हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है आपका संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है ना। कह रहा है संविधान की प्रस्तावना के बारे में, तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। कह रहा है समाजवादी धर्म निरपेक्ष शब्द 1950 ईस्वी में लागू संविधान के अंग थे। कह रहा है उक्त शब्द 1977 ईस्वी में संशोधन द्वारा आपके जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा आपके जोड़े गए या उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिए तो बिल्कुल देखते ही कर जाओगे यार इसको, क्योंकि मैं कई बार आपके डिस्क्रिप्शन में चीजें बताता भी हूं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, करा उक्त शब्द 1977 ईस्वी में आपके संविधान में जोड़े गए, ठीक है ना। 1977 में आपका संशोधन द्वारा आपका जोड़ा गया था, ठीक है। तो प्रस्तावना की बात कर रहा है, प्रस्तावना तो प्रस्तावना में आपको याद होगा एक संशोधन हुआ था, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। कौन सा संशोधन हुआ था भैया, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, आपके प्रस्तावना में आपका जोड़ा गया था कौन सा शब्द, आपका समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना। कौन कौन, समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। ये भी इसी संशोधन के तहत हुआ है, ठीक है। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन के तहत ही ये आपका हुआ है, ठीक है। इसको आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कह रहा है निम्न शब्दों पर आपको विचार करना है। इसमें कह रहा है आपका क्या, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक या धर्म निरपेक्ष है। निम्न शब्दों पर आपको विचार करना है, आप बिल्कुल बताइए, CADB या CDAB या CDBA या DACB। बिल्कुल हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट एकदम धुआंधार तरीके से इसका आंसर करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। याद करते चलिएगा, प्रैक्टिस करते चलिए। इसमें कह रहा है विचार आपको करना है, तो क्या हो जाएगा भैया, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ठीक है। तो ये आपका एक तरफ से बिल्कुल यही राइट हो जाएगा, ठीक है। चारों ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर CADB आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या हो जाएगा भैया, सार्वभौमिक, उसके बाद फिर समाजवादी, फिर धर्म निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ये आपका ए वाला ऑप्शन आपका CADB आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, CADB। अच्छा एक चीज बताओ थोड़ा सा, प्रजातांत्रिक किसे कहते हैं, धर्म निरपेक्ष किसे कहते हैं, एक एक लाइन में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो फटाफट देख लो भैया, प्रजातांत्रिक किसे कहते हैं, प्रजातांत्रिक, ठीक है, प्रजातांत्रिक किसे कहा जाता है, ठीक है। जिसमें देखिए प्रजातांत्रिक मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र को ही क्या कहते हैं, प्रजातंत्र भी हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जो होती है ना, वो शासक भी होता है, शासित भी होता है। तो शासित अगर है तो प्रजा हुई, ठीक है ना, और अगर शासक है तो राजा हुआ। तो यही कह रहा है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र मतलब क्या, लोकतंत्र की बात। तो ये आपका लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक मतलब क्या होता है, आपका जनता का तंत्र, ठीक है ना, यानी कि जनता का शासन, जनता का शासन। तो बिल्कुल प्रजातांत्रिक भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, प्रजातांत्रिक। उसके बाद कहता है आपका कि समाजवादी, ठीक है, देख लो समाजवादी क्या होता है, एक बार में आपको बता दे, समाजवादी, समाजवादी मतलब क्या होता है, जो सबका है वही समाजवाद है, समझ रहे ना, जो सबका है, जो सबका है वही समाजवाद है, ठीक है, जो सबका है वही क्या है आपका, समाजवाद है, ठीक है। इसको क्या करने मेरे प्यारे भाई, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपका संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेट स्पेशल क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊं, देखिएगा ध्यान से प्रैक्टिस करना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फट जाएगा, ठीक है ना, फंस जाएगा और आ भी जाएगा बेहतरीन तरीके से। कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, क्या कह रहा है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या आपका डॉक्टर BR अंबेडकर। आप बिल्कुल देख सकते हैं संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं भाई, तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप बता लोगे भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। क्या नाम था प्रारूप समिति के अध्यक्ष भैया? डॉक्टर बी आर अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके भैया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसको भी आप जरूर जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इनको आप याद रखिएगा। अब देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्षों की बात करेंगे तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितना था ये यदि कमेंट करके बताओ फटाफट कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना था। तो जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या आपका कितना था, तो आप याद कर सकते हैं। कितना सदस्य था ये? 7 सदस्य था। कितना सदस्य समिति था भैया? 7 सदस्य समिति था। 7 सदस्य समिति था जिसको क्या कहते हैं? प्रारूप समिति, ठीक है। तो जो प्रारूप समिति है 7 सदस्य कौन कौन थे? सबसे पहले आपके कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर याद करना मेरे प्यारे भाई, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की बात करेंगे, आपके पहले सदस्य थे, ठीक है ना। ये आपके पहले अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के अध्यक्ष में आपके इनको लेके साथ थे, ठीक है। एक है एन जी आयंगर, यानी कि एन गोपाला स्वामी आयंगर, ठीक है। तो आप याद करना एन गोपाला स्वामी आयंगर, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? बी एल मित्र, ठीक है। उसके बाद कौन थे भैया? के एम मुंशी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, के एम मुंशी, ठीक है। उसके बाद कौन थे? मोहम्मद शादुल्ला, ठीक है। तो कौन कौन हो गए आपके? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। दो और बच रहे हैं, एक है कृष्णा स्वामी आयंगर और एक है भैया कौन आपके? डीपी खेतान, ठीक है। इनको भी आप याद कर सकते हैं, क्या कौन है भैया? डीपी खेतान। और एक नाम और है जिनका नाम क्या है भैया, आप याद कर सकते हैं, कृष्णा स्वामी आयंगर, ठीक है ना। एन गोपाला स्वामी आयंगर है, एक है आपके कृष्णा स्वामी आयंगर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो कितने सदस्य हो गए अब गिनो एक बार जल्दी से फटाफट। तो देखो ये क्या हो गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपके पहले हो गए, दूसरे एन गोपाला स्वामी आयंगर, तीसरे हैं भैया आपके कौन भैया? बी एल मित्र। चौथे हैं कृष्णा स्वामी आयंगर और आपके जो पांचवे हैं कौन है? के एम मुंशी। छठवें मोहम्मद सादुल्ला और सातवें हो गए आपके डी पी खेतान, इनको आप याद रखिएगा। टी कृष्णमाचारी के स्थान पर डी पी खेतान को बनाया गया था, ये भी आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, टी कृष्णमाचारी के स्थान पर डी पी खेतान को, ठीक है। टी कृष्णमाचारी के स्थान पर टी कृष्णमाचारी के स्थान पर बिल्कुल याद रखिएगा, डी पी केथान जी को यानी कि सदस्य के रूप में आपका बनाया गया था, ठीक है। तो इसको आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा बीएल मित्र की भी देखो मृत्यु हो गई थी, बीएल मित्र कहाँ गए भैया? बीएल मित्र ये रहे, देखो इनकी भी मृत्यु हो गई थी। इनके स्थान पर कौन बनाए गए थे जानते हैं? इनके स्थान पर कौन बनाए गए थे आपके बीएल मित्र के स्थान पर? एम माधवन, ठीक है ना। माधवन जी को आपके लिए याद रखना, माधवन जी और ये माधवन जी, ये आपके बीएल मित्र, ये दोनों याद रखना। हीटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इनकी भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और टी टी कृष्णमाचारी की भी मृत्यु हो गई थी, इनके स्थान पर डी पी खेतान आपके बनाए गए। उसके बाद बी एल मित्र की भी मृत्यु होगी, इनके स्थान पर आर माधवन जी आपके बनाए गए। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप याद रखना और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलें, बेहतरीन क्वेश्चन है यार, अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करो तो अच्छी से अच्छी आपकी बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला देखो मेरे प्यारे भाई क्या करें, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे करें, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में
प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, कितने जनसंख्या के अनुपात में था भाई, तो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या आपका 15 लाख, बिल्कुल इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। तो बताइए आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी यानी कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो 10 लाख जनसंख्या, यानी कि जो 10 लाख जनसंख्या है ना, अगर 10 लाख जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व यानी कि एक सदस्य यानी कि आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात, यानी कि एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सकता था, तो एक प्रतिनिधि आपका 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसको आप भी याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे आप देख सकते हैं, आगे भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कैबिनेट मिशन के लिए था ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इससे पहले देख लीजिए, अब हिंदी नितिन सर के साथ आप पढ़ सकते हैं फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप देखिए हिंदी व्याकरण आप पढ़ सकते हैं, नया बैच आपका प्रारंभ है, चाणक के बैच आपका स्टार्ट है, चाणक के बैच। और इस बैच से अगर इनरोल होना चाहते हैं तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए, कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करके आप जल्दी जल्दी इस क्या करिए, इससे इनरोल हो जाइए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये कह रहा है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। ठीक है ना, संवैधानिक सलाहकार पूछ रहे भाई, संवैधानिक सलाहकार बता दो कौन हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के टी शाह, बी एन राव या आपका ए के अयंगर। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता है भैया कि आपके कौन थे संवैधानिक सलाहकार, आपके बी एन राव, याद कर लेना कौन थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, आपके बी एन राव। और इनका नाम क्या है, बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम है, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव की अगर बात करेंगे, ये क्या है, ये आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी आप याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है, पूछ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, बेहतर है यार। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप अच्छी से अच्छी हमारे साथ तैयारी करें और बेहतर से बेहतर अपने एग्जाम में आप क्वेश्चन को करके आए। ठीक है ना, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो इस कोशिश को भैया कामयाब आप लोग करेंगे, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करते हमारे साथ बेहतर, आप कॉन्टेंट नहीं सेट करते हैं तो भैया याद नहीं होगा। ठीक है, बस आप वीडियो को देखो और जान जाओ कि हाँ ये ऐसे होता है। ठीक है, तो अपने आप चीजें अच्छे कर जाएंगे। कह रहा भारतीय संविधान है एक, देखो भारतीय संविधान एक क्या है, कह रहा कठोर है, लचीला है, नहीं कठोर नहीं लचीला, सतह कठोर, तो आप बिल्कुल देखिए बताइए क्या हो रहा है, भारतीय संविधान है एक क्या है भैया, भारतीय संविधान क्या है, न ही कठोर है और न ही लचीला है। ठीक है, न ही कठोर है और न ही लचीला है भारतीय संविधान, इसको भी क्या करेंगे आप भैया याद कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 से क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में किसका है, निम्नलिखित कौन सा आपका, देखिए भैया क्या है, कह रहा भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कथन आपका किसका है भाई, बिल्कुल देख सकते हो कथन किसका है, ये कह रहा आपका बी आर अम्बेडकर, एम बी पायली, अलेक्जेंडो विक्स हो जाएगा और के सी वियर। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा, हाँ अलेक्जेंडो विक्स और क्या कह रहा है आपका के सी वियर। तो बताओ भैया किसका ये एक संतुलन, ये किसका कथन है पूछ रहा है, तो कथन आप बता दो भैया, कथन ये आपका किसका है, तो के सी वियर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या नाम सुने भैया, के सी वियर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और के सी वियर ने ही ये क्या किया था आपका, यानी कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये भी क्या करना मेरे प्यारे स्टूडेंट आप याद करना, ये किसने कहा था आपके, के सी वियर, यहाँ पर आप टिक कर दीजिए कि के सी वियर क्या हो जाएगा भैया, के सी वियर आपका राइट हो जाएगा आंसर, चौथा वाला। ठीक है, समझ में आया, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो क्या कर, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट के लिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कर आपका भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया पीसीएस में, आर ओ आर ओ में और कई एग्जामों में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हिट करना और जल्दी जवाब देना। कर भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी भैया, आपके 15, 13, 12 या 10 कितनी महिला सदस्य थी, तो बिल्कुल आप फटाफट एक क्वेश्चन को बता दो भैया कितनी महिला सदस्य थी आपकी, तो आपकी 15 महिला सदस्य थी, कितनी भैया, यानी कि कितनी महिला सदस्य थी आपकी, 15 महिला सदस्य थी, 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, तो इन 15 महिलाओं में जो आपकी एक दो महिलाओं को मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, एक थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, एक थी राजकुमारी कौर, ठीक है, क्या नाम था इनका,
राजकुमारी कौर, ठीक है, ये दूसरा नाम है। ये 15 महिलाओं के नाम थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और कौन है, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, इनको भी आप याद रखना, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है। उसके बाद कौन है आपके, सुचिता कृपलानी, ठीक है, क्या नाम है इनका, सुचिता कृपलानी, ठीक है, सुचिता कृपलानी। के बाद और देख लीजिए कौन है आपके, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, ठीक है, क्या नाम है इनका, पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, और क्या नाम है इनका, लीला राय, लीला राय। कितने हो गए, देखो एक हो गया विजय लक्ष्मी, दूसरे राजकुमारी कौर, तीसरे सरोजनी नायडू, चौथे आपके सुचिता, पांचवा आपका पूर्णिमा बनर्जी, छठवें आपके कौन है, लीला राय जी हैं, ठीक है। सातवें कौन है भैया, जी दुर्गाबाई, और हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई, जी दुर्गाबाई, और क्या नाम था, हंसा मेहता, हंसा मेहता, ठीक है, हंसा मेहता, और कौन है, जी दुर्गाबाई है। उसके बाद और कौन है भैया, कमला चौधरी, रेणुका राय और मालती चौधरी, ठीक है ना, कमला चौधरी, कमला चौधरी, ठीक है, और कमला चौधरी के बाद आपके और कौन आ जाते हैं भैया, रेणुका राय, मालती चौधरी, रेणुका राय, रेणुका राय, उसके बाद कौन है, मालती चौधरी, क्या नाम है, मालती चौधरी, ठीक है, मालती चौधरी के बाद और कौन आ जाते हैं भैया आपका, दक्षयानी वेलायुधन, देखो फिर क्या कह रहे आपसे, दक्षयानी वेलायुधन, इसको रिवीजन मैं करा दूंगा, थोड़ा सा देख लो फटाफट पहले लिख लीजिए, देखिए दक्षयानी, दक्षयानी, ठीक है, दक्षयानी वेलायुधन। उसके बाद फिर आपका कौन हो जाता है भैया आपका, बेगम एजाज रसूल, इधर लिख दूं मैं, इधर लिख दे रहा हूँ, बेगम एजाज रसूल, एजाज रसूल, आप कहोगे सर कितना नाम लिख रहे हैं, 15 का नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा क्या नाम है, एनी मस्करणी, क्या नाम है, एनी मस्करणी, एक और नाम है एनी मस्करणी, ठीक है, एनी मस्करणी, ठीक है, इनको भी आप याद रखिएगा। फिर कौन आ जाते हैं भैया, अम्मू स्वामीनाथन, क्या नाम है, अम्मू, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। तो कितने हो गए भैया, 15 तो हो गए ना, 15 हो गए। अच्छा आइए देखते हैं कितने हो गए भैया, ये देखो सबसे पहला आपका देखते हैं कौन हो जाएंगे, विजय लक्ष्मी पंडित, ये देखिए 15 महिलाएं थी, विजय लक्ष्मी पंडित आपके पहले, दूसरी राजकुमारी कौर, तीसरा है आपका सरोजनी नायडू, और चौथा, हाँ इधर लिख देता हूँ, चौथे कौन है आपके, कमला चौधरी, पाँचवा आपके रेणुका राय, छठवा आपके मालती चौधरी, सातवा है आपका दक्षयानी वेलायुधन, ठीक है, सातवा ये हो गया। आठवां कौन है आपके, सुचिता कृपलानी, नौवां कौन है आपका, पूर्णिमा बनर्जी, दसवां कौन है आपका, लीला राय, ग्यारहवां है आपकी जी दुर्गाबाई, बारहवां है आपका हंसा मेहता, तेरहवां है आपका बेगम एजाज रसूल, ये आपका तेरहवां है, चौदहवां है आपका, क्या नाम है चौदहवां का भैया, अम्मू स्वामीनाथन, और पंद्रहवां कौन है भैया, ये आप जरूर से याद रखना, एनी मस्करणी। ये आपके 15 आपके क्या है, महिला सदस्यों की संख्या है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, ले लो जल्दी से। 15 का नाम याद रखना, पूछ सकता है कौन इसमें से नहीं है, ठीक है, अभी पूछा नहीं है लेकिन आप याद रखना, क्वेश्चन चाहे जहां से पूछेगा, फुल डिटेल में चीजों को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, चले आगे। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, देखिए नितिन सर के हैंड रिटन ई बुक्स आप पढ़ सकते हैं, हैंड रिटन ई बुक्स आप पढ़ सकते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, राजव्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे सब्जेक्टों को आप बेहतरीन तरीके से E91 के ऐप से पढ़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए उसके माध्यम से भी आप इस सब्जेक्टों को बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो भैया अब देख लो क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है भाई आपका कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री आपके कौन थे, ये देखिए भैया कानून मंत्री की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा कानून मंत्री बता दो भैया, कानून मंत्री आपके कौन थे, तो कानून मंत्री आपको बिल्कुल पता है, एक ही
ही नाम है, बड़ा चर्चा का विषय, जो कि प्रारूप समिति के सदस्य भी थे या प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या नाम था भैया? बी आर अम्बेडकर। ये क्या थे भैया, याद करना है, ये भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री थे आपके बी आर अम्बेडकर जी। इनको भी क्या करना है, आप याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप याद कर लीजिएगा, पूछता है और आपके एग्जाम में पूछ सकता भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, उद्देशिका का विचार कह रहा है भैया, आपका उद्देशिका का विचार की बात कर रहा है, इटली, कनाडा, फ्रांस या यूएसए। तो इटली का विचार आपका कहां से लिया गया है, तो इटली का विचार भैया सॉरी भारत में संविधान में उद्देशिका का विचार आपका कहां से लिया गया है, उद्देशिका का विचार, तो उद्देशिका का विचार आपका कहां से लिया गया भाई, बड़ा चर्चा का विषय, इंपॉर्टेंट, आपका यूएसए से, ठीक है ना। कहां से? यूएसए से आपका क्या लिया गया है, उद्देशिका का विचार आपका लिया गया है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप जरूर से जरूर सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे सभी लोग कमेंट करिएगा, एक कमेंट आपकी लाइफ को सेट कर सकता है। और देखते हैं कितने लोग एक्टिव है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो प्रारूप, जो आपका उद्देशिका है, उद्देशिका का विचार है, तो ये आपको यूएसए से लिया गया, लेकिन पूरा उद्देशिका ही कहां से लिया गया है, इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर से जरूर बताएंगे, ठीक है। अपना नाम जरूर लिख के बताइएगा कि हमने बताया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, संविधान सभा द्वारा, यानी कि संविधान देने का प्रस्ताव आपका पारित किया गया, कब किया गया भैया, 22 जनवरी, यानी कि 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। कब भैया? 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया है, पारित किया गया है। इसको भी आप क्या करना, याद कर लेना, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करा आपका, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया भाई, आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं भैया क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखना, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 की बात है, कब की बात है, 22 जुलाई 1947, और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया था, अपनाया था। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना, ठीक है। चलो तो चलिए दोस्तों, यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है और टॉप 20 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया और मजा बहुत आया होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके डेली का डेली सॉल्व करेंगे, और दशहरे के बाद की जो क्लासेस होंगी आपकी लाइव क्लास, बेहतरीन तरीके से क्लास को करिएगा। पेट स्पेशल और स्पेशल में करंट अफेयर लेके आने वाला हूँ बेहतरीन तरीके से, सभी पेरेंट्स क्या करेंगे, अपनी तैयारी को मजबूत हमारे साथ बनाएंगे और एग्जाम में बेहतर से बेहतर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी पेरेंट्स जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहिए और बेहतरीन तरीके से हमारे तक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।